गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स. अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन बचे वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. Students, we have seen in the beginning of this chapter that many of the things we use in our day-to-day life are made up of carbon compounds. In fact, we ourselves are made up of carbon compounds. The number of carbon compounds known today is approximately 3 million. This number far exceeds the total number of compounds formed by all other elements. Therefore, before we actually start the study of carbon compounds, we must understand as to why carbon forms so many compounds. So students, the four main reasons for this are, first one is catenation. Students, carbon shows versatile nature because it forms large number of compounds ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट रीजन इज कैटिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स द मेन रीजन एज टू वाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट कार्बन कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म स्ट्रेट ब्रांच चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ, रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. सी, स्टूडेंट्स दिस इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन भी बनाता है कार्बन इस तरीके से. दिस इज अ ब्रांच्ड चेन, थ्री मेंबर्ड रिंग भी बनाता है कार्बन आपका. इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फोर की फोर जो है इसकी कंप्लीट हो गई, थ्री मेंबर्ड रिंग. फोर मेंबर्ड रिंग भी शो करता है कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइव मेंबर रिंग भी शो करता है कार्बन इस तरीके से. हमने फुलरीन में पढ़ा भी फाइव मेंबर रिंग्स के बारे में, वो जो रिंग्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं. फाइव मेंबर रिंग्स कार्बन की आपकी फोर बॉन्ड्स कंप्लीट होनी चाहिए. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज फाइव मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन. उसी तरीके से सिक्स मेंबर्ड रिंग भी होती है, जैसे हमने बेंजीन में पढ़ा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में इस तरीके से. बच्चे ये आपने जो है स्ट्रक्चर्स साथ साथ ड्रॉ करने हैं, आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं बच्चे. तो जब तक आप खुद से बाय योर ओन जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको जो है क्लियर नहीं होंगे स्ट्रक्चर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. सिक्स मेंबर्ड रिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजीन रिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन. द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज ड्यू टू स्मॉल साइज, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ग्रेट लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव सिमिलर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल.
but carbon shows catenation to a much greater extent than silicon. For example, carbon forms compounds with hydrogen in which hundreds of carbon atoms can be joined together. These compounds of carbon and hydrogen together called as hydrocarbons, which are very stable. On the other hand, silicon also forms compounds with hydrogen which contain chains only up to 7 or 8 silicon atoms. These compounds of silicon and hydrogen called silanes. Silanes, however, very reactive. The main reason for much greater extent of catenation of carbon over silicon is that carbon-carbon bonds are much stronger than silicon-silicon bonds. From this discussion, we can conclude that it is the maximum tendency of carbon for catenation which is responsible for existence of a large number of carbon compounds. I hope आपको ये जो property है catenation, the property of self-linking with atoms of the same element is known as catenation, and carbon has a unique property of linking itself to other atoms to give open chain cyclic structures. Catenation is favored by atoms where atom to atom covalent bond is quite strong. This characteristic reflects the strength of the bond between adjacent carbon atoms in the molecule. Okay students, in carbon-carbon, bond energy is very high, causing catenation. Bond energy is up to 347.3 kilojoule mole inverse. Okay students, and approximately इसको 355 भी हम लेते हैं, इसकी bond energy इतनी है. Okay students, only carbon hydrogen, carbon fluorine, carbon oxygen single bonds, carbon oxygen are stronger than the carbon-carbon single bond, and each of these is weaker than the carbon-carbon multiple bonds, that is carbon double bond carbon, carbon triple bond carbon. Okay students, so due to tetravalency of the carbon atom, it can be bonded to 2, 3 or 4 carbon atoms by forming single and multiple bonds. Therefore, chains of carbon atoms may be linear, branch, cyclic or ring. Okay students, I hope aapko ye acche se clear ho gayi. Now move on to the second reason, that is tetravalency of carbon. Students, next is tetravalency of carbon. The atomic number of carbon is 6. Atomic number of carbon is 6. Hence, its electronic configuration will be Kl, 2, 4. Students, carbon atom has 4 electrons in its outermost shell. So, it needs 4 more electrons to complete its octet. A carbon atom completes its octet only by sharing its valence electrons with other atoms. So, as a result, carbon atom forms 4 covalent bonds by sharing valence electrons with other atoms. This is known as tetravalency of carbon, means 4 valency of carbon. These 4 valencies of carbon are directed towards 4 carbons of a tetrahedron and inclined to each other atomic angle of 109 degree 28 minutes in case of methane. Students, carbon kis tarike se hota hai? इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ गए एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो करता क्या है कार्बन? H and H. Students, carbon atoms can form 4 single covalent bonds. Example, in methane CH4, or iska structure kaise ban jayega? Is tarike se. Okay students,
Due to its tetravalent nature, carbon always forms covalent bonds by sharing electrons with 1, 2, 3 or 4 carbon atoms or atoms of other elements or groups of atoms. Okay students, tetravalency of carbon atom allows it to combine easily with other carbon atoms to form a stable chain like structure. That is exhibiting the property of catenation. Abhi padha humne just. Catenation usually occurs because the atom-to-atom covalent bond is quite strong. The chains having different chain lengths and structures and combines with different elements leads to the formation of large number of compounds. Okay, students? And due to this, two unique features of carbon stand out due to this. That is, first is carbon-carbon single covalent bonds and carbon-carbon मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गई, जैसे आपकी सिंगल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड और मल्टीपल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स में आ गया आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब. और जो आपके मल्टीपल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगी उनमें आपका आ गया बच्चे C2H4, इथीन, आपका इथाइन आ गया C2H2, ये आपका इथीन है और इथाइन है. ये भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था. इस तरीके से आपका कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स जो बनती है. फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स. एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स इन दिस, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन एटम कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद नॉट ओनली कार्बन with also atoms of other elements like oxygen, nitrogen. Okay students, and this formation of multiple bonds gives rise to a variety in the carbon compounds. Okay students, so students ये जो हमने पढ़ा हम इसको third reason भी बोल सकते हैं, that is tendency to form multiple bonds. अभी पढ़ा बच्चे हमने, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स मल्टीपल, दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन. एंड दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स फर्दर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन इज आइसोमरिज्म. आइसोमर्स जो है आई थिंक आपने नाइन्थ में अच्छे से पढ़े हैं बेटा. सो आइसोमरिज्म, another reason for huge number of carbon compounds is the phenomena of isomerism. बच्चे isomerism is defined as if a given molecular formula represents two or more structures having different properties, the phenomena is called isomerism and different structures are called isomerism. जिनका molecular formula जो है two or more structures बताता है having different properties but and having different structures. Okay students, and we will learn later in this chapter the formula C4H2 represent two structures, the formula C5H12 represents three structures, formula C6H14 represents five structures, and number of different structures with same molecular formula further increases the number of carbon compounds. So isomerism kya hai, jinki jo hai two or more structures hote hain but having same molecular formula but different structures and different properties. Okay students, so isomerism also gives rise to also increases the number of carbon compounds. So these are some of the reasons as why carbon forms so many compounds. Okay students, I hope aapko ye jo hai topic acche se clear ho gaya. Okay students, if you have any doubt you can ask me in the group chat. Okay students, thank you, have a nice day.